यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपनी चल अचल संपत्ति छिपा रखे अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अपने फैसले के जरिए हरियाणा में कार्यरत ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, सभी जिसमें कि ए बी और सी कैटेगरी के अफसरों को अपनी संपत्ति सरकार को बतानी होगी और तारीख भी इसके लिए निर्धारित कर दी गई है कि 15 जून तक ये संपत्ति की जानकारी देनी होगी। बिल्कुल, समय सीमा तय की गई है और इसके अलावा जो ब्यौरा नहीं देंगे उनका वेतन भी रोक लिया जाएगा। तो अधिकारियों के संपत्ति की जानकारी हासिल करने के लिए सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। हरियाणा सरकार ने अपनी चल अचल संपत्ति छिपा रही अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कार्यरत ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों आईएएस आईपीएस सहित सभी ए बी और सी कैटेगरी के अफसरों को अपनी संपत्ति सरकार को 15 जून तक बतानी ही होगी। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करेगा तो उसका जून महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। इस मामले में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार अधिकारियों की वार्षिक प्रॉपर्टी रिपोर्ट हर साल दाखिल होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी संपत्ति न बताने के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। कई अधिकारियों की तो दो दो साल की रिपोर्ट लंबित है। तो वहीं दूसरी ओर ये सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 1966 के नियम 18 समय समय पर संशोधित का उल्लंघन है। अधिकारियों के संपत्ति बताने को लेकर धुलमुल रवैये को देखते हुए सरकार ने चल अचल संपत्ति बताने को लेकर डेडलाइन तय कर दी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को कैश, ज्वेलरी, जमा राशियों, बीमा पॉलिसी, शेयर और सिक्योरिटी राशियों समेत लोन एडवांस, मोटर कार अगर है तो उपकरण की वर्तमान कीमत भी बतानी होगी। बहरहाल सरकार ये जानकारी लेने के लिए एक्टिव मोड पर तो है, अधिकारियों को ब्यौरा देना भी होगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है सरकार को इतना सख्त क्यों होना पड़ा कि जानकारी न देने की सूरत में वेतन रोक दिया जाएगा। सवाल तो ये भी कि विधायक, सांसद या मंत्री भी अपनी संपत्ति का हर साल ब्यौरा दें। इस दिशा में पार्टियां कब सोचेंगी ताकि हर साल संपत्ति में बढ़ोतरी का आंकड़ा भी साफ हो सकेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। या 15 जून तक का समय दिया गया है आईएएस अधिकारियों को, और ये भी देखा गया है कि जब केंद्र सरकार ने ये कहा था आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, तो कई अधिकारी जो है आनाकानी करते नजर आए थे। और ये भी देखा गया था कि ज़्यादातर जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, और जिसने दिया उसने शून्य दिखाया। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है तो उसके बाद जब ये सार्वजनिक होगा या नहीं होगा, ये भी सवाल। अगर होगा तो क्या सभी अधिकारी इस चेतावनी के बाद अपनी संपत्ति की जानकारी तमाम दे पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, और अभी मनोहर सरकार का फैसला है, इससे पहले 2016 की बात कर ली जाए तो मोदी सरकार ने केंद्र में ये फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया कि सभी अधिकारियों को अपने अचल संपत्ति रिटर्न का ब्यौरा दाखिल करना होगा। उसमें भी कहा गया कि प्रमोशन रोक दिया जाएगा। सीधे तौर पर चेतावनी समझिए इस बात को। उसके बावजूद देश के 1856 आईएएस अफसरों ने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार के समक्ष पेश ही नहीं किया था। तो सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर अफसर ब्यौरा नहीं देते तो उनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी जाएगी। और क्रामिक और प्रशिक्षण जो मंत्रालय है उसके आंकड़े ये बताती है कि 1856 अधिकारियों ने अपने रिटर्न को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। इनमें सबसे ज्यादा 255 अधिकारी यूपी के, दूसरे नंबर पर राजस्थान कैडर के रखे और मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर पर रखे। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने फैसला सुना दिया है, हरियाणा सरकार ने समय निर्धारण भी कर दिया है, 15 जून तक ये जानकारी देनी है, ब्यौरा दिया जाना है, चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया जाना है और जो भी जानकारी नहीं देगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा। तो चेतावनी इसे मानिए सरकार की ओर से अधिकारियों को जानकारी लेने को लेकर चल अचल संपत्ति की। चलिए इसी विषय को लेकर बड़ी बात में बड़ी बहस हम करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ नीलम चौधरी जी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस से पंकज पुनिया जी हमारे साथ हैं, पुनिया साहब स्वागत है आपका। और इनेलो से कुसुम शेरवाल जी हैं हमारे साथ, इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत स्वागत है सभी का। नीलम जी, क्या लगता है ऐसी नौबत कैसे आ गई या ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि अधिकारियों को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर आप लोग जानकारी नहीं देंगे, ब्यौरा नहीं देंगे तो वेतन रोक देंगे?
देखिए, हमारे जो राज्य में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं, जब भी वो कोई भी सोशल रिफॉर्म लाते हैं या कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो वो हमेशा ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करते हैं और एक टाइम लिमिट टाइम फ्रेम भी रखते हैं। अब बहुत सारी चीज़ों में, बहुत बार हम इन चीज़ों को ला भी चुके हैं, तो एक टाइम फ्रेम सेट करके एक टारगेट जब दिया जाता है, तब जो भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं जिनको भी उस पर एक्ट करना है, तो उनके अंदर अपने आप एक फीलिंग्स आती है कि उन्हें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पनिशमेंट है। तो जब आपके पास एक डिटरेंट होता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, तब आप उस काम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाते हैं और समय से उस पे करते हैं। और जो हमारे जो आईएएस अधिकारी हैं या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो संपत्ति है, मतलब ज्वाइन करने से पहले कितनी है, हर साल कितनी है, उसमें उनकी जो चल अचल संपत्ति दोनों, और जो उनके पास कैश है और जो उनके पास ज्वेलरी है, जो घर है, जितने उनकी उनकी पत्नी की उनके परिवार की जितनी भी है, वो ऑनलाइन उसको करें। तो ये एक सिस्टम है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। मैडम, पारदर्शिता की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यही अंतिम विकल्प था कि आप जो है वेतन रोक दे, सैलरी रोक दे आईएएस अधिकारियों की? क्या आपकी बात नहीं मानते थे पहले? सरकार ने पहले भी उन्होंने उनको कहा होगा कि आप अपना ब्यौरा दे संपत्ति का। जी, आप देखिए ना, ये जो प्रोसेस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी समय समय पर करती रही है। अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो 2007 और 8 में भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर, हाँ 2007 में भी उस समय का मुझे याद है कि एक बार फर्स्ट टाइम जब ये सोचा गया था कि इनका ऑनलाइन किया जाए, तब अपने आप ही कुछ समय के बाद वो जो स्टेप्स हैं वो वापस ले लिए गए थे, क्योंकि इंटरनल सिस्टम में हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, इसका अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना चाहते, और यही हमारे सिस्टम में जो करप्शन की एक जड़ है, जो उसकी तरफ उसको लेके जाते हैं, उसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पुनिया साहब, क्या लगता है कि करप्शन की जड़ ये है कि कोई ब्यूरोक्रेट की बात कर ली जाए, अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देना चाहते, जो कि बीजेपी का स्टैंड है? क्योंकि जो भी ईमानदार व्यक्ति होगा, जो भी ईमानदार व्यक्ति होगा, वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो अपने आप अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करेगा। पुनिया जी, आपको भी लगता है कि ईमानदार लोग होंगे, वो अपनी चलाचल संपत्ति की जानकारी दे देंगे वो अधिकारी? और ये भी बताइएगा, जैसे कि कहा है नीलम जी ने कि जो ईमानदार होगा वो तो दे देगा, नहीं देंगे, बाकी क्या ईमानदार नहीं होंगे? 1856 जो अधिकारी थे 2016 में, उन्होंने नहीं दिया था संपत्ति। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल गलत है कि जो ईमानदार अफसर होगा वही देगा और जो ईमानदार नहीं है वो अपनी जानकारी नहीं देगा। सबसे पहले तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जहाँ तक पारदर्शिता का विषय है तो ये लगातार यूपी के सरकार में भी ये चीज़ आई थी, और आज मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल बीजेपी की सरकार ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक हम अगर अधिकारियों के चल संपत्ति की बात करते हैं, कुछ अधिकारियों ने दे दिए, कुछ ने नहीं दिए, और हम उन पर उंगली उठाएं कि वो बिल्कुल चोर हैं, तो ये बात दरअसल एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जहाँ तक पारदर्शिता की बात है तो हम इसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, और आज आप उनको डंडा दिखा करके 15 जून की लास्ट डेट है, तो इस तरह का मैं समझता हूँ कि सरकार इस तरह से नहीं चलती, कभी नहीं चलती, कि आपकी सरकार तो सिर्फ बदला बदले की सरकार रह चुकी है, उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कभी भी डर पैदा करके, आप लोगों ने क्या तरीके अपनाए थे, और आप लोगों का सुझाव क्या है कि सरकार अंतिम तारीख निर्धारित ना करके इस फैसले पर जाए, सोचे? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि आपको सबसे पहले तो सरकार, किसी भी सरकार, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे अधिकारियों के सहयोग से उसको चलती है, ताकि वो आपकी आपकी सरकार में सहयोग कर सके, अच्छी अच्छी प्लानिंग वो लोग लेके आए, तो उनके सहयोग की जरूरत होती है, और आप जब सरकार उनसे सहयोग मांगती है, तो आपको जब नहीं दे रहे तभी तो सरकार ने ये फैसला लिया है, कड़ा फैसला इसे कहेंगे? नहीं, कड़ा फैसला, देखिए ठीक है, कड़ा फैसला आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर अधिकारियों की बात करें तो उनपे इतना सारा काम का और दूसरे सारे प्रेशर होते हैं। रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं हमारे साथ, रणवीर शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। शर्मा जी, क्यों ऐसी नौबत आती है कि आप लोग जानकारी नहीं देते अपनी संपत्ति की? सरकार आखिरी तारीख देती है, सरकार ये कहती है कि अगर आप लोग जानकारी नहीं देंगे, जो अधिकारी हैं जानकारी नहीं देंगे, तो वेतन रोक दिया जाएगा। मैडम सांगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सब्जेक्ट को, इस विषय को उठाया है इस चैनल पे। देखो, किसी भी कर्मचारी व अधिकारी के लिए अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना एक मैंडेटरी है। पहले तो हर एक मुलाजिम को, अफसर को ये बात अच्छी तरह से पता है, जब भी वो ज्वाइन करता है किसी भी डिपार्टमेंट को, तो वहां पे वो खुद ऑन ऑथ एफिडेट लिख के देता है फॉर्म भरते वक्त कि भी मैं अपनी प्रॉपर्टी का हर साल ब्यौरा दूंगा। नंबर वन, ये सरकार का भी अधिकार है कि वो अपने मुलाजिम और अफसरों की प्रॉपर्टी के बारे में ले, और उसका मेन मकसद यही होता है कि जो मुलाजिम अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है वो कितनी सही तरीके से दे रहा है, कोई गलत तरीके से तो नहीं दे रहा है। ये प्री पार्टी जब एक डिपार्टमेंट में चलती है सीनियर लेवल पे,
और सीनियर लेवल से पे लोअर लेवल पे जाती है तो हर आदमी ट्रांसपेरेंटली ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर होता है। ये इसलिए जरूरी है कि भी कोई आदमी गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी या अपना धन जो वो ले रहा है उस तनख्वाह के अलावा उसके पास कहाँ से आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारी जानकारी क्यों नहीं देते, खुद ब खुद ये जानकारी क्यों नहीं दी जाती कि एक साल में चल अचल संपत्ति हमारे पास इतनी है, जानकारी दी जाए, ब्यौरा दिया जाए, ये जरूरी क्यों नहीं माना जाता? ये इसलिए नहीं क्योंकि यो जो आपका एक वोट बैंक का सिस्टम है ना राजनीतिक, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है, अगर सीएम की ये इच्छा शक्ति है, मैं सीएम के ऊपर लूंगा कि हर अफसर और हर मंत्री हर एमएलए एमपी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देगा, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसके लिए ये कानूनी बाध्यता है, मैंडेटरी है। तो जब ऊपर से सिस्टम शुरू होगा तो अफसरों को हर हालत से देना पड़ेगा और अफसरों के साथ मुलाजिमों को देना पड़ेगा। ये सिस्टम हमेशा राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर होता है और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इसको लागू करती है उसकी सरकार की ट्रांसपेरेंसी। शर्मा जी, जो डेडलाइन दी गई है 15 जून की, इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी वेतन रोक दिया जाएगा, क्या यही अंतिम विकल्प है सरकार के पास? नहीं, आप कोई शब्द बोल रहे हैं, आप क्या बोल, सवाल बोलिएगा प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेडलाइन सरकार ने दी है 15 जून तक, और ये भी कहा है, चेतावनी है कि अगर नहीं आप संपत्ति का ब्यौरा देंगे तो उसके बाद आपका वेतन रोक दिया जाएगा, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, इस तरह इसके दो चीजें हैं। वैसे सरकार को जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं, फर्ज करो मैं पुलिस ऑफिसर हूं तो ये डीजी का प्रेरोगेटिव राइट है कि वो अपना ऑर्डर एक इश्यू करे और सभी जूनियर और सीनियर अफसरों को बोले कि दिनांक इतने तारीख तक आप अपनी प्रॉपर्टी दे दें या आप अपना रीजन दें, रिमार्क्स दें कि भी मेरी कोई झगड़ा चल रहा है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है। आप लोगों को पसंद आया सरकार का फैसला? उसको आगे बढ़ेंगे शर्मा जी, आएंगे आपके पास, आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रखिए, चर्चा सुनिए, पैनल पर जो लोग हैं उनका क्या पक्ष है, इनेलो का क्या स्टैंड है इस फैसले को लेकर। सांगवान जी, पहले तो मेरे को लगता है कि शायद सरकार आए दिन इस तरह के नए नए फैसले लेकर के आ रही है जिसकी वजह से आज जो ये गाज गिरी है ये अफसरों के ऊपर गिरी है। नहीं तो आए दिन आप देख रहे हो कि 4 सालों में हर आदमी धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुआ हुआ है और हर आदमी सड़कों पर बैठा है। अब शायद ये ऑफिसर लोबी है, ये इस इनके ऊपर गाज गिरने का मतलब ये है या तो सरकार इनसे खुश नहीं है या ये लोग सरकार से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी एक मसला हो सकता है। और जो दूसरी बात कि अभी इन्होंने कहा है कि रिटर्न, पहले तो जो भी कोई नौकरी करता है, कोई भी अफसर है, छोटे से लेकर बड़ा तक का, हर आदमी को रिटर्न भरने का एक टाइम दिया जाता है कि भी हाँ इस टाइम तक उसे रिटर्न भरनी है। लेकिन उस रिटर्न के अंदर अंदर वो अपने सारा सारा का सारा अपनी संपत्ति का चल जो संपत्ति होती है उसका भी ब्यौरा वो देता है। तो कहीं ना कहीं आज जो ऑफिसर लोबी है कहीं ना कहीं उसको भी एक शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। और उसमें एक ये चीज तो साबित हो रही है कि या तो जिस तरह से अभी नीलम जी कह रही थी कि जो तो ईमानदार आदमी है वो तो अपनी डिटेल दे देगा, और इसमें अब या तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तो इस तरह की जो बातें आज सरकार कर रही है, विपक्ष कहता है, कई बार मामले भी सामने आते हैं, खबरें सामने आती हैं कि आपके कार्यकर्ताओं नेताओं की सुनी नहीं जाती और ब्यूरोक्रेसी जो है मनोहर सरकार के आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद कुसुम शेरवाल जी ये कहती है कि यही कारण है कहीं ना कहीं कि गाज गिरा रखे हैं, आप लोग सीधे तौर पर चेतावनी देकर की जानकारी दीजिए अपनी संपत्ति के, क्या ये कोई फैक्टर हो सकता है? जी देखिए, जब भी कोई भी सरकार काम करना चाहती है तो उसका रैपर ब्यूरोक्रेसी के साथ हमेशा अच्छे से अच्छा होता है, तभी वो काम होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तभी तो हम अपनी सारी योजनाओं को एक अच्छा रूप देते जा रहे हैं। जहां तक ये है कि एक डेडलाइन फिक्स की गई, एक जिसमें एक चीज और भी ध्यान रखें कि जो इन्हें अपनी प्रॉपर्टी अपडेट करनी होती है ना, ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर करनी है। जब भी रेगुलरली कोई भी चीज खरीदी जाती है तो जब भी वो चीज खरीदी हो तो अपने डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें सब लोग ऑनलाइन करते रहते हैं। जैसे जैसे हमने कुछ खरीदा, अगर हमने कुछ गोल्ड खरीदा एक पर्टिकुलर लिमिट से, जैसे 50,000 से ज्यादा का खरीदा तो वो बिल हमें डिपॉजिट करना होता है एज एन एम्प्लॉइज, उनको करना होता है। तो एक रेगुलर प्रोसेस है जो चलता रहता है। इसमें कुछ लोग हैं जो इसको अवॉइड करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, तो इसलिए जो लोग अभी तक इस सिस्टम में नहीं आ रहे थे, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, एक डेडलाइन तो उनको देनी पड़ेगी, अदरवाइज तो ये काम चलता रहेगा। जब तक आप एक टारगेट ओरिएंटेड नहीं होते, एक डेट नहीं रहते, तब तक आपका वो टारगेट कभी अचीव नहीं होता। आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी सरकार से खुश नहीं है, सरकार अधिकारी से खुश नहीं है, ये एक अलग चीज है। हमारे अधिकारी हमारे से खुश है, कितने बार आपस में मीट होती रहती है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। जो करप्शन है, जो जो चीज हम अपने सिस्टम अपने गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट, एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन
क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो अभी आईपीएस रणबीर शर्मा जी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई थी कि जो ये कंट्रोल है अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल देने का, ये ऊपर से शुरू होता है। तो हमारे सारे सीएम्स और एमएलएस जो हैं, उन सबका पूरा प्रॉपर डिटेल है, इवन अपडेट होता रहता है। आप देखेंगे हैरान होंगे, जो सीएम साहब की जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही हो, जबकि जो लोग कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी इंक्रीज होती रहती है। तो जब भी हम वेबसाइट पे उनका पेज खोल के देखें ना, तो जब वो ज्वाइन किया था और आज की डेट तक उनकी प्रॉपर्टी में किस तरह के मॉडिफिकेशन आए हुए हैं, तो इससे हम किसी भी ऑफिसर का, किसी भी एमएलए का, किसी भी सीएम का देख सकती है जनता के सामने सब कुछ। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बीजेपी के लोग बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी करते हैं, क्योंकि इस कला में लोग माहिर हैं। और सबसे बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बातों को घुमाने में बहुत बड़ी कलाकार है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, हम भी मानते हैं। लेकिन वो अधिकारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी पे भी लागू होनी चाहिए। आज आज आप एक सेकंड, आप मुख्यमंत्री की बात करें, आप मुख्यमंत्री की बात करें, तो आपके ओएसडीओ को बार बार क्यों वहां से निकाल दिया जाता है? आपके मुख्यमंत्री के ओएसडीओ पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया क्यों नहीं लगते? आपके करनाल के ओएसडी पे आरोप लगे, आपके अभी भूपेंद्र, अरे इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनके खिलाफ तो माइनिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और आपके तब आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि ओएसडी को क्यों सीएम कैंप से निकाल करके चेयरमैन बनाया जाता है? उसके अलावा आपके इतने सारे मंत्रियों पर, चाहे नायब सैनी हो, चाहे वहां पे स्पीकर साहब हो, इतने सारी संपत्ति कहां से उनके पास अभी 3-4 साल में आ गई? आप अगर ठीक है, आप हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार आप इसी मुद्दे पर सरकार लेके आए थे, आपने इतनी सारी झूठ जब लोकसभा विधानसभा चुनाव दी कि कांग्रेस ने यूपीए सरकार में ये हो गए, इतने सारे भ्रष्टाचार हो गए, आपने कहा था ना कि हमने नहीं कहा, आपने कहा स्कैम का क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना धन कहां से आया कि आज उसने हर जिले में अपने इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के दफ्तर खोल दिए? आप तो पहली बार सत्ता में, तो इतने करोड़ों रुपए दफ्तर का वो पैसे का जवाब कौन देगा? आपकी आपके पास ही भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है। आप बताइए ना, पूरे हिंदुस्तान में कहां से आ गए? आपके पास दफ्तर खोलने के लिए पैसे कहां से आ गए? मुझे सवाल ये करने दीजिए आप, नीलम जी, आप लोग भ्रष्टाचार का खात्मा कर देंगे स्वादे के साथ आए थे सत्ता में, लेकिन अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगना ये भी किसी हद तक ठीक हो सकता है या जरूरी भी होगा, लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए बाकी स्तर पर क्या कोशिशें की गई बीजेपी की ओर से? जी देखिए, यही जो ये एक इसका एक साइड पोर्शन है, जैसे अभी आईपीएस साहब ने भी बात शुरू की थी राजवीर जी ने, कि जो भी करप्शन है ना वो टॉप लेवल से शुरू होता है, ट्रांसपेरेंसी भी टॉप लेवल से शुरू होती है। अगर हमारे सीएम, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी है, जनता पार्टी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के दफ्तर खोल दिए? आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? दिल्ली में आपने 4 साल में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमारा तालमेल बहुत अच्छा है अफसरों के साथ। मेरे ख्याल से आप 4 साल का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखो तो मेरे ख्याल से 6 महीने कोई एक अफसर, आप मेरे को बता दीजिए कि एक अफसर ने स्टैंड किया एक प्लेटफॉर्म पर। अगर मैडम ये कह रही है कि हमारे जो अफसरों के साथ तालमेल बहुत अच्छा है, तभी तो आप आए दिन उनका क्यों तबादला कर रहे हो? रोज के रोज आपकी लिस्ट आई होती है। संदीप कोटला जी फोन लाइन पर है, उनसे भी जोड़ लेते हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सरकार इस तरह की डेडलाइन दे सकती है आईएएस अधिकारियों को कि उनके वेतन रोक दिए जाएंगे अगर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल दे सकती है, सरकार के नौकरशाह हैं जी, ये सरकार जो है इनसे कुछ भी डिटेल मांग सकती है, डेडलाइन दे सकती है, जानकारी भी मांग सकती है। ये कानून क्या कहता है इस मामले में कि आय से अधिक संपत्ति की जानकारी जब देंगे, ठीक जानकारी नहीं दी गई तो उससे आगे क्या कुछ हो सकता है? उसके आगे इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है। कोई भी पनिशमेंट जो अपील एंड पनिशमेंट रूल्स हैं, सर्विस रूल्स हैं, उनके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर कोई डिटेल नहीं देगा। वैसे सरकार ने इनको वैसे ही वार्निंग दे दी है कि 15 तारीख तक आप जो है पूरी डिटेल दीजिए अपने असेट्स की, अगर नहीं देंगे तो सरकार ने ऑलरेडी इनको जो है ना थ्रेट इशू किया हुआ है कि भाई इनके खिलाफ जो है ना कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एज पर लॉ, एज पर CSR। तो ये अच्छी बात है, और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई सरकार अगर नौकरशाह को इस तरह से पाबंद कर रही है अपनी संपत्ति डिस्क्लोज करने के लिए, तो पॉलिटिशियंस के ऊपर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही उनके, है उनके ऊपर, उनके जो मंत्री हैं। हाँ। अल्टीमेटली तो करप्शन तो वहां से स्टार्ट होता है, नौकरशाह बेचारा क्या करेगा?
उधर से अगर ये सवाल वाजिब है, ये सवाल जरूरी भी है पूछा जाना। और नीलम जी, पार्टियां भी जानकारी दें कि चंदा कहां से मिलता है, कितना मिला पिछले साल, कितना मिला, कितनी बढ़ोतरी हुई, आंकड़ा कितना बढ़ा है। मंत्री भी जानकारी दें, विधायक भी जानकारी दें, सांसद भी जानकारी दें कि इस साल का रिकॉर्ड ये है, पूरा ब्यौरा ही पेश किया जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए। क्या जनता ये उम्मीद कर सकती है? जानकारी जानकारी जिस टाइम इलेक्शन लड़ते हैं जी, उससे एफिडेविट में दिया जाता है। चुनाव चुनाव आयोग को जानकारी दी जाती है, लेकिन कितनी बढ़ोतरी आप कर लेते हैं अपनी संपत्ति में, वो भी सार्वजनिक की जाए। 5 साल वो मंत्री रह जाते हैं या एमएलए रह जाते हैं, तो वो कम से कम 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 70 बढ़ जाती है। चलिए नीलम जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अब उनका नाम टाइप करके उनका पूरा प्रॉपर्टी डिटेल ऑनलाइन वेबसाइट है और सब न्यूज में अपडेट किया हुआ है। इवन हर साल उसमें कितना कितना चेंजेस आ रहा है वो भी आ रहा है। तो अब किसी का भी खोल के देख सकते हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रेज कर सकते हैं। इस चीज की गारंटी आप उसका नाम टाइप करें और आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हमारी पार्टी में सबके सब हैं। और
रहा है तो नेचुरली आप उसके शिकंजे में फंसेंगे। बाकी जो आपके हमारी बीजेपी पार्टी, मैंने खुद खोल के देखा है, मैंने खुद खोल के देखा है और ये आप सभी का चेक कर सकते हैं, किसी भी का भी आप नाम डालें और ये हमारे लिए कंपलसरी है। जनता को भी बता दीजिए उनके विधायकों का, आप किसी का भी नाम जी, आप सिर्फ ये टाइप करें कि प्रॉपर्टी डिटेल्स एक आप नारायणगढ़ के विधायक के बारे में जरूर बता दीजिए मैडम कि उनकी प्रॉपर्टी कहां से कहां पहुंच गई है इन 4 सालों के अंदर। मैं आपको बता रही हूं ना, आप किसी का भी खोल के देख लें और आप अपने अभय चौटाला का भी खोल के देख, उनका तो केस चल रहा है, सारे का सारे केस चल रहा है। मैं अपने गारंटी दे रही हूं, मैं गारंटी दे रही हूं कि आप खोल के देखिए। इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने अपनी जो जानकारी उसके अंदर दी है 100% सैकड़ों करोड़ के हेरा फेरी के आरोप लगते हैं तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? जांच तो दबा दी जाती है और ऑफिसर को परेशान किया जाता है। ऑनलाइन हम उसको क्यों डलवाते हैं? ताकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। पब्लिक के आरोप लगा रही है, पब्लिक का ही आरोप है ये, मैं पब्लिक का आरोप है ये, समझिए नहीं कहां से दुनिया जी कहते हैं कि क्यों माने कि वही संपत्ति है, क्या कोई मापदंड है, क्या कोई कानून है, क्या कोई क्रॉस चेक करने वाला भी है? जी वही तो मैं कह रही हूँ, अगर उस प्रॉपर्टी जो उन्होंने डिटेल दिया है उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर है तो कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है, कोई भी उनके अगेंस्ट केस लगा सकता है। इतनी आपके लोगों को उसमें कितने सारे जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसमें पैसा कमाया, केसेस में उनके भी नाम है, तो ये जो बीच में जो इनका तालमेल होता है ना राजनीतिक मुद्दे आप लोग हमेशा इनको घुमाते हैं। क्यों आप बताएं ना, आपके हुड्डा जी कितने ट्रांसपेरेंट थे? वो कोर्ट बताएगी ना, ये पार्टी की बात नहीं है, इसलिए चक्कर लगा रहे हैं बोलने वाले से। आप लोगों ने इतने सारे करप्शन की बात लेके मुझे बताइए कौन सा आपने कांग्रेस का एक आदमी कोर्ट के अंदर किया? आपके हुड्डा पे सवाल है, आपके साथ जवाब लेंगे, आपके जवाब याद रखना है, आपके कांच छोड़ने वाला नहीं है, ये सारे झूठ की बात है। आपके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे है, आपके तो खुद पार्टी के अध्यक्ष, आपके तो खुद पार्टी के अध्यक्ष जिन पे इतने गंभीर आरोप है, जज तक के उनके मर्डर के लिए ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उसके उनके बेटे पे संपत्ति का 100 गुना बढ़ने का आरोप लगा है उनके ऊपर, वो खुद एक कड़ीकार थे। आप दूसरे की पार्टी की क्या बात करें, आप अपने घर को तो ठीक कीजिए ना, उनपे तो नेशनल हार्ड नहीं क्या निकल रहा है उसमें, आप बताइए ना, आप इतने आपके इतने गंभीर आरोप है। ऐसे ऐसे चर्चा नहीं होगी पुनिया साहब, सुनिए सर, ये यूपी में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे करप्शन के, जैसे चर्चा नहीं हो पाई थी आपको पता, और स्पेशली जो एनएचआरएम जो एक स्कैंडल हुआ था उसमें कितने लोग तो मारे गए थे, कितने की सस्पिशियस हालात में उन्होंने सुसाइड किया था, एक तो अभी भी जेल में है। तो ये सब में छोड़ दे, व्यापम बता दीजिए ना, आप व्यापम में बता दीजिए, घोटाले के किसी व्यापम की दुनिया बता दे, 50 से ज्यादा को मर्डर हुए आप बता दीजिए, घोटाले के आप यूपी तो सोच के मध्य प्रदेश घूम के आ गए। सवाल आपसे, क्या मजबूरी में सरकार ने फैसला किया? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि ब्यौरा तो मांगा गया लेकिन कोई ब्यौरा देता नहीं है संपत्ति का, मजबूरी का फैसला कहीं से? जी जी, ये बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक हम कोई डेडलाइन फिक्स नहीं करते, ये ह्यूमन हैबिट है, ये सिर्फ आईएएस की नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप किसी भी ऑफिशियल से ले जाओ, जब तक हम डेडलाइन नहीं फिक्स करते हम लोग उस काम को लटकाते रहते हैं। इसलिए एक डेडलाइन नहीं,
सरकार अपने लिए नहीं मांग रही, सरकार एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रही है कि ताकि जिसके पास जो भी संपत्ति है बता दें, तो उससे जो है हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी ठीक आगे बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और लोगों का विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है लोगों का, ये बीजेपी को लगता है। कुसुम जी, आपकी पिछली बात से मुझे शिकायत ये है जो आपकी ओर से कहा गया कि अधिकारियों पर गाज गिरा दी गई। मैडम, अगर जानकारी मांगी जाए अधिकारियों से कि आपके पास चल संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, सरकार ये जानकारी मांगे, क्या इनेलो को फिर ये लगेगा कि गाज गिरा दी गई अधिकारियों पर? क्या इनेलो का स्टैंड ये है कि अधिकारियों से जानकारी ना मांगी जाए पैनल पर? नहीं सांगवान जी, मैंने ये नहीं कहा कि अधिकारियों से जानकारी ना मांगी जाए, मैंने ये कहा था कि आज इन्होंने ये कहा कि भी हमारे जो अफसरों के साथ तालमेल बहुत अच्छे हैं, लेकिन तालमेल कहाँ अच्छे हैं, तो आए दिन अफसरों की बदली क्यों कर दी जाती है, मैं तो इस बात के ऊपर कह रही हूँ कि। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी बात कही थी कि भी अफसरों का हमारा जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या आज, और जो बेईमानी की इन्होंने बात करी थी कि भी जो तो अपनी अपनी आय जो वो रिटर्न भर रहे हैं वो तो बेईमान, वो तो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने आपको और जो नहीं कर रहे हैं वो बेईमान है, मैंने इसके ऊपर कहा था कि ये तो अफसरों के ऊपर जाने वाली। शुरुआती सवाल आपसे ये है, क्या इनेलो को ये फैसला रासायक है? मैंने इसका सीधा सा जवाब आपसे लेना चाहा कि इसका सीधा जवाब क्या होगा कि आप इसके साथ हैं फैसले के या फिर नहीं, क्योंकि आपने कहा गया कि अधिकारियों पर गाज गिरा दी गई सरकार की। सांगवान जी, हर एक आदमी को अपना संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, अगर रिटर्न भरने की एक प्रक्रिया है वो इसलिए ही है कि हर आदमी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। वो सरकार का फैसला है, उसके वो पहले भी रहा है, ये नहीं कि अभी हुआ है, लेकिन इन्होंने डेडलाइन जो फिक्स की है, वो जो डेडलाइन इन्होंने फिक्स की है उसके लिए हम ये मानते हैं कि आप ये कह रहे हो कि भी उनकी सैलरी रोक दी जाएगी, ये कहीं ना कहीं जो अफसर लोबी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं। एक बात बताइए, अगर आप भी सत्ता में होते जब नहीं दे रहे अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा, तो मजबूरी में फैसला लिया गया है? नहीं देखिए, गलत क्या है ऐसे डेडलाइन, आप ये सरकार के पास अधिकार है, सरकार डेडलाइन दे करके आप ये तो नहीं कह सकते कि आप उनकी उनकी जो सैलरी है वो रोक दी जाएगी, ये तो कहीं विपक्ष का स्टैंड ये की है कि वेतन रोक देंगे, ये चेतावनी दिया जाना गलत है, विपक्ष को लगता है, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं ना, उसको 100% अचीव करना चाहते हैं, तो एक तो उसके लिए पहले हमें डेडलाइन रखनी पड़ती है, फिर हमें एक ये भी रखना पड़ता है कि अगर इस डेडलाइन को क्रॉस करते हैं तो पनिशमेंट क्या होगी, तो ये एक तरीके, अदरवाइज तो आप कभी भी काम करवा ही नहीं सकते, ऐसे ही चलता रहेगा। जब किसी के ऊपर कोई डर नहीं होता, कोई पनिशमेंट नहीं होता, जानकारी मांगी गई थी 1856 अधिकारी थे जिन्होंने जानकारी नहीं दी जी, वही तो है, जब तक अगर आप एक पनिशमेंट नहीं देंगे, कुछ एक उनको झटका सा नहीं देंगे, जैसे अब जब अपने जिससे सबक भी मिले, देखिए ना, जैसे हरियाणा सरकार ने कहा है, सिर्फ यही कहा ना कि आपकी सैलरी रोक देंगे, कुछ डिडक्शन तो नहीं कर रहे लेकिन उसको स्टॉप कर देंगे। बाद क्या नेचुरली जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वेतन रोका जाएगा, सिर्फ वेतन रोका जाएगा, एक और चेतावनी दी जाएगी, जब उनका वेतन रुकेगा तो उनके ऊपर अपने आप ही एक प्रेशर आ रहा है कि दो से तीन दिन है, दो दिन ही है जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, जब उनका वेतन रुकेगा ना, किसी भी कर्मचारी के लिए चाहे वो कितने भी हायर लेवल पे हो, जब उसका वेतन रुकता है ना, तो उसको वो पिंच होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो उसके लिए अलर्ट हो जाता है, तो अपने आप ही करेंगे। ये एक आपको डिटरेंट देना ही देना है, और ये कर्मचारी के ऊपर सबसे बड़ा दबाव होता है कि उसकी सैलरी रुक जाएगी, उसके जितने भी जो आपको लाभ मिलते हैं वो रुक जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा डर होता है किसी भी, और यही एक हमने उसके साथ एक डेडलाइन की तरह रखा। अभी रणबीर शर्मा जी हमारे साथ थे फोन लाइन पर, जिनकी ओर से कहा गया कि सरकारों पर डिपेंड करता है कि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है, अगर वोट की राजनीति आप करेंगे तो जानकारी नहीं मांगेंगे, क्या बीजेपी की तारीफ करेंगे इस बात पर? देखिए, जहां तक तारीफ की बात है वो तो होगी नहीं आपसे, नहीं अच्छे, अगर देखिए ये बहुत अच्छा दोनों एक अपने आप में एक बहुत अच्छा पहलू होता है, अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है, हमने कहा कि आप ये लेके आए बात, हाँ, अच्छी बात है, अच्छा हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन अच्छी। उसको लागू करने के तरीके में आपके थोड़ी गड़बड़ है। इस सबसे बड़ी बात, एक सेकंड, सबसे बड़ी बात, आपकी नियत पे हमेशा सभी लोगों को डाउट रहता है, हमारी नियत हमेशा साफ है, आपकी सरकार बदला बदली की सरकार के अलावा यू टर्न सरकार के नाम से फेमस है, आप आज आपके मंत्री कोई बात को लेके आते हैं, मुख्यमंत्री कल उस बात को बदल देते हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि 15 तारीख के बाद आप इस डेडलाइन को नहीं बढ़ाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप अब आपके जो ऑफिसर की जो बात करते हैं कि जो लागू इसको कौन करेगा, अधिकारी लागू करेंगे इस चीज को, तो वो आपको कितना सहयोग इसमें करेंगे? तीसरी बात,
आपके क्या आपके जो राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे वो एसडी है चाहे दूसरी आपके गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, क्या ये क्योंकि वो भी गवर्नमेंट इम्प्लाइज है, क्या उन पे ये चीज लागू होगी? आप सबसे पहले तो अपने घर को ठीक कर लीजिए और मुझे बताइए ये लागू होगी। बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए पहले तो हमारे बाकी कर्मचारी ऑलरेडी दे ही रहे हैं और इस बार जो है ये सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स की बात है। दूसरा आप ये कह रहे थे ना कि उसके बाद एक सवाल था आपका 15 जून वाला जो आपने कहा था कि ये गलत है, तो वही चीज मैंने आपको कहा ना कि एक डेडलाइन हर किसी के लिए रखनी बहुत जरूरी है और इसका सही असर भी आएगा। और फिर एक और चीज भी है जो आप कह रहे हैं कि हम अपने डिसीजन कई बार बदल लेते हैं। देखिए कोई भी सरकार जो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कोई भी सरकार जो है एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल किसी भी चीज के लिए नहीं बना सकती। मैं आपकी उन चीजों का जवाब दे रही हूँ, एक सेकंड, बहुत सारी पॉलिसीज तो 15 जून तक डेडलाइन दी हुई है आईएएस अधिकारियों को। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, जहां विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर तारीफें करता नजर आ रहा है सरकार की, तो वहीं सवाल भी उठा रहे हैं कि वेतन रोकना कितना जायज है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास आना चाहेंगे पुनिया जी, हम देख रहे थे, इंडेक्स देख रहे थे, आंकड़े देख रहे थे, अगर एंटी करप्शन की बात करें, इस पर काम करने की बात करें, जब आपकी सरकार थी 2010 से 2014 के बीच, तो काफी कम है सर वो प्रयास। नहीं, एंटी करप्शन एफर्ट की बात करो, नहीं एफर्ट की अगर हम जहां तक बात करें तो यूपीए सरकार में चाहे वो पॉलिटिकली सिस्टम के लोग थे या दूसरे लोग थे, कभी कांग्रेस ने उन लोगों को बचाने का काम नहीं किया। पहली बार आपका इंडेक्स भी उस चीज से आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर उस सिस्टम को बचाने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं उनके जाके ऑफिस में घुसता है, आपने कहीं भी उस पर रिएक्ट नहीं किया, आप उल्टा उनको बचाते हैं। आपके जितने आपके मंत्री चाहे चीफ मिनिस्टर है उन पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन आपने सिर्फ उनको क्लीन चिट देके बाहर कर दिया, आप डिनाई कर जाते हैं। यूपीए सरकार में जबकि उल्टा था, अगर आपके किसी भी मंत्री या चीफ मिनिस्टर पर आरोप लगाते थे उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। किसने इस्तीफा दिया था? बहुत सारे लोग हैं इसमें, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने दिया था? मैं बता रहा हूँ, टूजी स्कैम में किसने दिया था? दिया था ना, क्या कोयला घोटाले में किसने दिया था? स्कैम में क्या हुआ बता, आप अभी भी जेल में, उसी में तो सबसे ज्यादा ऑफिसर्स थे, आपकी सरकार में तो लोग करप्शन करके बाहर भाग जाते हैं, आप तो उनको खुद विदेश में छोड़ के आते हैं, आप तो उनको खुद विदेश में छोड़ के आते हैं, अपने लोगों अपने लोग अपनी सरकार को लुटवा करके विदेश में लोगों को अच्छे से पार्टी करके छोड़ के आते हैं। आपके तो मुख्यमंत्री रमन सिंह पे आरोप है, आपके वसुंधरा राजे पे आरोप है, आपके आपके मध्य शिवराज सिंह चौहान पर आरोप है, आपके आपके किस मिनिस्टर पर आरोप नहीं है, सेंटर गवर्नमेंट के हर मंत्री पर आरोप है, आपके प्रधानमंत्री को पर आरोप है, आपके पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप है, आप एक का जवाब नहीं दे रहे, आप एक का मुझे बता दीजिए आपने किस में कार्रवाई की, हमने सब में कार्रवाई की नहीं है। बात यह है कि आपकी सरकार जब थी आपने कितना संपत्ति का ब्यौरा मांगा और कितना आपको मिला? देखिए हम यूपीए सरकार में आज ये नहीं जितना आज 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 भारतीय जनता पार्टी जिस मर्जी जितना मर्जी ढिंढोरा इस बात का पीट ले, यूपीए सरकार में मनोज सिंह जी ने इस बात को लेकर आए थे और पुरजोर तरीके से लेकर, देखिए एक सेकंड उसमें आप किसी भी पॉलिसी को लेकर आते हैं, आज सारी पॉलिसीज, आप मुझे एक बात बता दीजिए, माननीय मोदी जी ने कौन सी पॉलिसी जो यूपीए सरकार में शुरू हुई थी किसको बंद करके नई पॉलिसी उसमें ऐड की? आपने सिर्फ नाम बदल करके उन पॉलिसीज का नाम बदल करके उनको आगे बढ़ा रहा है। आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिएगा तो ये भी यूपीए सरकार के, यूपीए सरकार ने इसको जोरदार तरीके से लेके आई, आपकी तरह गला घोटने का काम, आप बोलते हैं कि एकदम से ठीक है आप 15 जून, मैं आपकी दो दिन का इंतजार करता हूं, चलो मान लीजिए हम दो कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, हम 15 जून का इंतजार करते हैं, 15 जून के बाद 16 तारीख को आप यहां पे एक डिबेट रखवा लीजिए, फिर इस बात का निष्कर्ष निकालो, आप 100% इस बात से भागते नजर आओगे, नहीं नजर आए तो फिर बता देना, आप जो आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, आपके आप उल्टा उसको नहीं आप डराने आप नहीं नहीं आप डर का माहौल पैदा करते हैं, इच्छा शक्ति आप सिर्फ डर का माहौल पैदा करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट के अंदर हो चाहे जात पात के अंदर हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश में डर का माहौल पैदा करके सरकार चलाना चाह रही है, डर के माहौल से सरकारें नहीं चलती। अभी रुकिए, आपने बहुत आरोप लगाए, जवाब भी दिया, कुसुम भगवान जी
ये किसी ना किसी तरह से एक तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आए दिन नीलम जी मेरी बात सुनिए, आए दिन आप लोग हर दो चार दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देते हो जिससे लोग इधर उधर भटकने वाला काम हो जाता है। मेरी बात सुनिए, किसानों को सरकार है एक तरह से, कभी किसानों के लिए कोई बात नहीं करती, किसान मर रहा है रोज, किसानों की बात नहीं होती। आप ये बताइए, सरकार बनाने से पहले आपने 154 वादे किए थे, भटकाने का फैसला है। बिल्कुल जी, मुद्दा भटकाने का फैसला है। 154 वादे जब इन्होंने किए थे, इन्हें ये पूछो कि आपने 154 वादे में से कौन सा पूरा किया है, आप ये बताइए। बरगलाने की कोशिश हो रही है, इनसे हिसाब मांगो। आप ये बताइए कि सरकार के पारदर्शिता की बात करते हैं, इनके नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ों का घोटाला करके चले गए, कौन से आप पारदर्शिता दिखा रहे हैं? नियम तो ये भी कहते हैं कि अधिकारी 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट ही नहीं ले सकता, अगर लेगा तो सरकार को जानकारी देगा। अपने करीबियों से भी 25,000 का गिफ्ट लेना नहीं होगा, और होगा तो फिर जानकारी दी जाएगी सरकार को। क्या ये जानकारियां दी जा रही है ब्यूरोक्रेसी से? अगर आप लोगों को लगता है कि करप्शन खत्म किया जाए, क्या इतनी जानकारियां ली जा रही है, ये सुनिश्चित किया गया जी? इसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे किसी अपने पर्सनल वजहों से उसको डिले करते हैं, तो वो जो डिले है उससे कभी ना कभी जो है कुछ लोगों के मन में एक शंका सी आती है कि हम तो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, तो जनता तो सबसे ट्रांसपेरेंसी चाहती है ना। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सबके सब लोग काम करें, तो एक डेडलाइन तो फिक्स करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट में होता है ये, हर कर्मचारी, इवन हरियाणा के जो सरकारी कर्मचारी है वे भी इसको रेगुलरली अपडेट करते हैं। कोई भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदता है या कुछ लेता है तो उसको अपडेट करता है, ये एक रेगुलर शेड्यूल में। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, जो पब्लिक सेक्टर के ऑफिसर्स हैं, वो भी इसको रेगुलरली करते रहते हैं, और ये एक जरूरी चीज है। तो इसलिए अगर आप जब पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन लिया करके चले गए, मैं उसका जवाब दे रही हूं, जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी कंप्लीट इट। तो जब आप पब्लिक डोमेन में अपनी सारी प्रॉपर्टी सामने लेके आते हैं, उसको कोई भी चेक कर सकता है, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी को उसने, ठीक है, क्या सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी आप ये ब्यौरा संपत्ति का मांग रहे हैं जो नहीं दे रहे जी? वो भी अपडेट, वो भी डेडलाइन दे रहे हैं, अभी तक वो भी अपडेट कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि अगर हमें जो किसी में भी कहीं पर भी शक की गुंजाइश नजर आती है, तो उनके लिए भी अगर ऐसी, वैसे हमारे हरियाणा सरकार के कर्मचारी रेगुलरली इसको अपडेट कर रहे हैं, इस तरह का इशू नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स के साथ कुछ ये इश्यूज आ रहे हैं जी, और इवन शक की गुंजाइश थी या फिर 2 साल से कुछ लोग थे जिनके लंबित थे जी, कुछ के लंबित थे। आपने एक सवाल पूछा था अफसरों के ऊपर जो गाल गिराई जा रही है, मेरा भी वही पॉइंट था। एक सवाल आपने पूछा था, सिर्फ एक छोटा सा, कि जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, haryanagovernment.in, उसमें आप आ जाए, हम आवर गवर्नमेंट MLAs, उनमें आप किसी का भी नाम क्लिक करेंगे ना, उसमें लिस्ट में तो उनका पूरा डिटेल आ जाता है, वो सही है जानकारी या नहीं, अगर किसी को भी उस जानकारी पर, उस जानकारी पर किसी भी प्रॉपर्टी पर आपत्ति, उसमें उसकी भी है, उसके स्पाउस की भी है और बच्चों की भी है, अगर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट फाइल कर सकता है। तो इसीलिए हर चीज को पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए। अगर किसी को कहीं भी ऑब्जेक्शन है तो आप उंगली उठा सकते हैं। आरोप लगाई, बताइए किसकी जांच आपने करवाई? बताइए आप बचाने की बात करिए ना, वो कोर्ट में जो होगा उसका दूध का दूध आ जाएगा। आप हुड्डा को छोड़ करके अपनी सरकार के लोगों को जो बचाने का काम कर रही है, जब आप उनको नहीं बचा पाएंगे, जैसी सिचुएशन जो होती है ना उस तरह की आती है। आप भ्रष्टाचार से नफरत है, आप जिसकी गायें और गीता की बात करते हैं उसको आपने गीता को 25,000 रुपए में बेच दिया, आप कौन से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? 40,000 रुपए में, एक मिनट
गीता जैसी जो हमारे वेद है उनसे पढ़ने से हमारा जो सोशल लाइफ है उसमें राजनीति और व्यापार करते हैं, गाय पे भी आप राजनीति करते हैं, गीता पे आप व्यापार कर रहे हैं। पुनिया जी, क्या आप इस फैसले पर राजनीति नहीं कर रहे? क्या इस फैसले पर आप राजनीति नहीं कर रहे? बिल्कुल ये राजनीति का, देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए, ये राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये राजनीति का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, कांग्रेस के लिए हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपको आप भ्रष्टाचार मुक्ति बात करते हैं, सबसे पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए, अपने लोगों को ठीक कर लीजिए। दूसरी बात है, लोगों को भड़काने की बात कर रही हूँ क्योंकि हर आए दिन आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा व्यापारी कर्मचारी कोई भी आप ये बता लेकिन ये तो गुरु क्रेडिट और सरकार के बीच की बात है, इसमें आम पब्लिक का सीधे तौर पर क्या लेना देना है? इनेलो की ये तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच की बात है, घुमाते रहते हैं असली मुद्दे को, तो सरकार यही कहना है घुमाई रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? तो कभी पब्लिक का बुनियादी जुड़ाव क्या है इस फैसले से? ब्यूरोक्रेट्स को जानकारी देनी है, सरकार को जानकारी देनी है, जनता के मुद्दों को भटकाया जा रहा है। आपको खुश होना चाहिए कि हमारी सरकार में हर अभी इन्होंने जो जैसे भी इनकी यू टर्न की सरकार कही जाती है, कहते कुछ है अभी खिलाड़ियों के ऊपर इन्होंने देखो कितनी वो किया है कि खिलाड़ियों को, आपको लगता है इस फैसले से भी यू टर्न मारने वाले हैं? आप 16 तारीख के बाद देख लीजिएगा, आप 16 तारीख दो दिन के बाद देख लीजिए, आप दोबारा से डिबेट पे आप लोग दोबारा बुलाओगे कि 16 तारीख के बाद यू टर्न तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बीजेपी का 4 साल का ये आज तक का जो इन्होंने रोड मैप तैयार किया है, आज तक एक भी रोड मैप इन्होंने सवाल ये भी है कि आपको लगता नहीं है कि इस फैसले से कुछ आईएएस अधिकारी नाराज भी हो सकते हैं? आप वेतन रोक रहे हैं उनका जी, वो तो है, जब भी आप सख्ती करते हैं ना, सख्त आदेश लाते हैं तो हमेशा एक खेमा ऐसा होता है जो आपसे नाराज होता है। सख्ती कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी कर्मचारी नहीं करता, आईएएस ऑफिसर्स भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जिस आजादी से उनको काम करने की आदत होती है, अपनी चीजों को छुपाने की या ना बताने की आदत है, कोई भी अगर आप किसी के ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाएंगे ना तो वो उसका किसी न किसी से रिएक्ट करेगा, कोशिश करेगा कि मैं से क्यों पूछ लिया ये चीज। तो किसी को भी अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे थे, रुकी एक बार की अभी अभी ही जवाब क्यों मांगा गया, इससे पहले क्यों नहीं मांगा गया? देखिए क्योंकि हमारा जो हमेशा प्रॉमिस रहता है वो ट्रांसपेरेंसी पे रहता है और जनता के सामने सब कुछ सब चीजें जो बिल्कुल साफ, और उससे क्या कि हमारी भी तो साफ नीयत सामने आती है ना कि हम हर काम जो है वो सही तरीके से। सवाल किया, हालांकि आप लोगों को अधिकार है सरकार कभी भी फैसला ले, लेकिन पारदर्शिता आप लोगों की प्राथमिकता में है, जैसा काफी समय से उनको समय दिया जा रहा था, काफी समय से लोग जानकारी नहीं दे रखे थे, अभी एकदम से जानकारी मांगी जाती है, दो से तीन दिन का वक्त दिया जाता है, पहले प्रयास कितने किए गए सरकार की ओर से? जी ये कोशिशें हमेशा से जारी थी, चल रही थी, लेकिन जैसे कि जैसे जैसे वो डेट नजदीक आती है ना तो वो सरफेस पे वो न्यूज आ जाता है, तो इसलिए एक डेडलाइन तो कोई ना कोई होनी थी, अब ये होती या दो महीने के बाद होती, तो डेडलाइन का मतलब डेडलाइन है और डेडलाइन के तब भी आप काम करते जब एक साथ में एक डेटरेंट भी होता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे, वो दो दिन में कैसे दे रहे? सालों से तो बहुत बुराइयां हमारे समाज में चलती आ रही, क्या हम उनको बर्दाश्त करते रहे? ये सिर्फ दो दिन की बात नहीं है, प्रोसेस लंबा काफी समय से चल रहा था, तो अब क्या है आपको, आपने उनको संकेत दिए थे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, दिए जा चुके हैं, तो नेचुरली अब ये चीज क्योंकि जब जब पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें आ जाती हैं तो फिर वो एक न्यूज बन जाता है, तो ये ऑलरेडी उनको पता था और सिर्फ दो दिन के अंदर नहीं आई, काफी लंबे से दो दिन के अंदर कोई भी किसी से नहीं करा सकता, या तो कुछ है उनके विधायक और मंत्रियों ने अपनी वेबसाइट पे अपने उसका गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उनकी पर्सनल नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट, हरियाणा गवर्नमेंट की है, आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उन्होंने अपने संपत्ति का पूरा ब्यौरा पूरा दिया हुआ है, तो क्या उन्होंने हर साल वो उसका ब्यौरा दे रहे हैं, छह महीने का ब्यौरा दे रहे हैं? आप तो देखे, आप मुझे नहीं मुझे सिर्फ इस बात का जी, आप कभी खोल के देखे, मैं तो देखिए आपको जानकारी का पूरा अभाव है, जानकारी मैं जो ये बताइए जो उन्होंने अपने लोग आपके क्या 100% लोगों ने उस पर ब्यौरा दिया है? आप क्या करते हैं आरोप लगे उसको बदल दो, आपने जांच करवाई, आपने जांच करवाई, देखिए मंत्री सेंटर में
बदली का ब्यौरा ही नहीं मिला अभी तक, चार साल हो चुके हैं सरकार को। बार बार आ रहा है ये बदला बदली वाला। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस होते हैं, चाहे सीएम के अपने हो या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होते हैं, ये समय के साथ हमेशा रहते हैं, हर सरकार में होते हैं। किसी की एफिशिएंसी ने फैसला लिया इसलिए विषय है चर्चा का, लेकिन सभी पार्टियों से सवाल होना चाहिए। कुसुम जी क्यों ना जानकारी मांगी जाए अधिकारियों से, और साथ ही किसी भी पार्टी के विधायक हो सांसद हो अगर संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, हर एक साल उसकी जानकारी भी दी जाए, प्रॉपर जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए, हर एक पार्टी से यही उम्मीदें हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप हर एक चीज से हर एक चीज का ब्यौरा लीजिए, चाहे कोई जैसे कोई चुनाव लड़ता है उससे पहले भी वो चुनाव आयोग को अपना ब्यौरा देता है, तो दिया जाता उसी तरह से ही आप जो जो आपके चार सालों में पांच सालों में जो भी आपके चाहे पदाधिकारी हैं चाहे आपके ऑफिसर लोग हैं रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं रेगुलरली मैडम, हर किसी का आप देखिए ना साइड खोल के आप तो ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं, मैं कुछ चैलेंज कर रहा नीलम जी, आप जानकारी नहीं है, आप ना सवाल खड़े कर रहे हैं, आप खुद में भागवत गीता है, खुद में गाय है, क्योंकि ये इतने अच्छे लोग हैं, ये जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, दूसरे सारे लोग हैं वो तब सोच रहे हैं देश की जनता सारे चोर हैं, इनका कहने का मतलब ये इनसे ज्यादा इनकी कोई कोई ममता नहीं है। आपको सबका डिटेल मिल जाएगा, आप लगाने वाले आप खुद हो, आप अपने 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 लीडर का देखो ना, अभी जो पहले आप क्या चल रहा है, अपने मंत्रियों पर भी आरोप लगा देते हो, आप अपने तो केस चल रहा है, अफसरों पर भी आरोप लगा रहे हो, आप देखिए संपत्ति क्यों आती है, जब तक आप और आपको सरकार जाइए मैडम, आपके आपके तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, आने तो जिसके भी आते हैं जिसके भी आपके भी आने वाले हैं मैडम, रुकिए अभी एक और सरकार है एक और पब्लिक है और बीच में ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुनिया साहब क्यों ना उनसे जानकारी मांगी जाए, पूरी जानकारी हर एक सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिस तरह से बीजेपी की ओर से पूछा गया कि पूरी जानकारी दी जाए, हर एक साल जानकारी दी जाए, अगर जानकारी नहीं दी जाएगी तो सरकार क्या एक्शन लेगी, ये भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। पुनिया साहब देखिए जहां तक सरकार की मंशा की बात है तो कोई भी सरकार की अगर मंशा ठीक है तो मैं समझता हूं कि चाहे वो अपने घर की बात है चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात है, तो सबसे पहली बात तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिल्कुल सिरे से उसको खारिज कर दिया, सारे के सारे जितने एक सेकंड आपका कोई ऊपर से नीचे तक नहीं हुआ, आपने गुड़गांव के अंदर आपके ऊपर 10,000 करोड़ के आरोप आपके मुख्यमंत्री के ऊपर लगे, आपके एमएलए आपके ऊपर आरोप लगे, आपने कौन सी जांच करवाई, आपके खुद के एमएलए आपके ग्वालपाड़ी का आरोप 10,000 करोड़ का आरोप मुख्यमंत्री का लगा, आप बताइए कौन सी जांच करवाई, आपको कुछ आप बोलते बोलते हैं आपको भ्रष्टाचार में इतना प्रेम है, भ्रष्टाचार में इतना प्रेम है कि आप भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी का लोगन चुके हैं। सरकार नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नीलम चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारे पास ये अंतिम विकल्प था। देखिए कोई अंतिम विकल्प नहीं होता, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि 2 साल से उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपडेट नहीं किया, आपने सिर्फ 2 साल आपने 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 2 साल कोई बात नहीं लंबे, आपकी 4 साल की सरकार का ले लीजिए, आपने उससे पहले बीच में क्या नोटिस किया, आपने कोई उनके लिए कोई नोटिस का प्रावधान रखा कि अगर आप सरकार इस पर कड़ा संज्ञान लेने जा रही है, आपकी रेगुलर उनके साथ इंटरेक्शन होती है, आपने उसमें मुख्यमंत्री ने कोई बात रखी, आप बात तो करते नहीं, सिर्फ एक ये जहां तक बात करते हैं आपका जब अधिकार आपके गलत काम की नहीं सुनते, आप गलत काम उनसे करवाना चाहते हैं तो या तो आप उनकी बदली कर देते हो या उनको दूसरे तरीके से डराया जाता है, आपका टोटली आप सिर्फ ये देखिए अधिकारियों को डरा करके चाहे आप अधिकारियों को डरा करके बिल्कुल कोई उनसे गलत काम नहीं करवा सकते, अधिकारियों को डराया गया बिल्कुल, ये अधिकारियों को डरा करके उनसे गलत काम लेने की मंशा है, आप बता दीजिए आप बिल्कुल आप एक बात बता दीजिए उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था, आप अभी इस टाइम पे आ जाइए, इनका तो अचानक धमाका होता है बीजेपी वालों का, क्योंकि ये सिर्फ अल्टीमेटम 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए नहीं देते, नोटबंदी हुई रात को 12 बजे नोटबंदी कर दी गई, आपका अचानक धमाका होता है, उसके लिए पहले कुछ नहीं किया जाता, आपने 100 से ज्यादा लोग मरवा दिए, आज तक नोटबंदी से निकला क्या, एक मुझे चीज बता दीजिए नोटबंदी से क्या निकला, नोटबंदी का विषय नहीं है सर, नोटबंदी का विषय आपने सबसे पहले कहा आतंकवाद कब होगा, आतंकवाद कब हुआ नहीं, आप डिलीवरी पे ले आए, नोटबंदी से जो फायदा होगा वो गरीब महिलाओं को कैसे मिलेगा, अजीम सरकार है, अजीम सरकार डिलीवरी
आखिरी कमेंट आपका, इस मुहिम को कहां तक लेकर जाएंगे और कौन कौन इसके दायरे में आएगा? हालांकि अधिकारी देंगे जानकारी, इसके अलावा सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी पूरी जानकारी दें, उसके लिए इस तरह की डेडलाइन कभी दी जाएगी? आखिरी जवाब जी। देखिए, एक तो हरियाणा के कर्मचारी अभी तक दे रहे हैं तो उस पर कभी अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, और आईएएस ऑफिसर्स का काफी लंबे समय से पेंडिंग है, और लोग भी चाहते हैं कि ऊपर के लेवल के जब हमारे सीएम एमएलए सब अपनी दे रहे हैं तो आईएएस ऑफिसर्स की भी प्रॉपर्टी भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। लोग भी चाहते हैं कि हर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, और हम यही चीज तो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी बुराई को खत्म करना चाहते हैं, किसी भी चीज को सबके सामने लाना चाहते हैं, तो हमेशा टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। देने के लिए चर्चा की तारीख निर्धारित कर दी गई है कि अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, एबीसी कैटेगरी के अपनी जानकारी दें, चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी दी जाए, और अगर जानकारी नहीं दी तो वेतन रोक लिया जाएगा सरकार की ओर। बिल्कुल, नजर इस पर भी बनी रहेगी कि 15 जून तक क्या आईएएस अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं या नहीं। अगर नहीं देते हैं तो आगे सरकार क्या करने वाली, क्या वाकई में वेतन रोक दिया जाएगा।